जय हिंद दोस्तों, आज हम इग्नू 2021 का असाइनमेंट सोल्व करेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ MT02। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट ये है हमारे पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग सबस्पेस ऑफ R³ जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, इसमें हमने बताना है कि कौन सा सबस्पेस बनाएगा और कौन सा सबस्पेस नहीं बनाएगा। तो हम यहाँ पर 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है वेक्टर स्पेस, सेकंड है सबस्पेस और जो थर्ड है वो है फील्ड। तो हम ये मानकर चलेंगे कि आपको वेक्टर स्पेस, सबस्पेस और फील्ड के बारे में अच्छे से पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम वेक्टर स्पेस के ऊपर, सबस्पेस और फील्ड के ऊपर अलग अलग से लेक्चर बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये है हमारे पास, जो गिवन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास एस इक्वल है, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक्स, वाई और जेड होंगे। ये बिलोंग्स करेंगे हमारे पास R³ से, सच दैट कि जो ये है वो एक रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे और जो ये रिलेशन है वो है x प्लस जेड इक्वल्स 2y, ये होगा। अब देखिए, अगर हमारे पास हम कंसीडर करें लेट अल्फा एंड बीटा, ये मेंबर है हमारे पास सबस्पेस S के, एंड जो सी है वो हमारे पास फील्ड का मेंबर है। तो अगर देन अगर हमारे पास सी अल्फा प्लस बीटा ये भी मेंबर हो जाए एस का, तब हम कहेंगे कि एस है जो, एस इज अ सबस्पेस ऑफ वी, सबस्पेस ऑफ वी, ये है। मींस अगर हमारे पास अल्फा और बीटा कोई 2 मेंबर है सेट एस के और सी मेंबर है एफ का, तब हमारे पास अगर सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू एस, देन दिस मीन एस इज अ सबस्पेस ऑफ वी। और हम अनदर डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एस सबसेट है वी का और जो एस है वो इटसेल्व खुद अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है, तो तब हम कहेंगे कि जो एस है वो सबस्पेस होगा वी का। तो चलिए इसको हम इस डेफिनेशन की मदद से प्रूफ करते हैं। तो अगर हम लें लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू सेट एस एंड सी बिलोंग्स टू फील्ड ई, देन तब देखिए हम ये प्रूव करेंगे कि यह बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए, तो यहां पर यह होगा लेट, अगर हम कंसीडर करें अल्फा, अल्फा जो मेंबर है वो हमारे पास एस का है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो मान लीजिए एक्स वन, वाई वन एंड जेड वन होंगे। और जो ये है, अब देखिए जो अल्फा वो मेंबर है एस का, तो ये कंडीशन है जो हमारे पास एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई, ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये होगा एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू वाई होगा। अब यहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वन, वाई वन, जेड वन है, तो यहां पर हम ले लेंगे एक्स वन, जेड वन एंड वाई वन। इसी प्रकार अगर हम बीटा कंसीडर करें एंड जो बीटा है हमारे पास उसको हम मान लेंगे एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू, और जो रिलेशन है वो ये है विद एक्स टू प्लस जेड टू इक्वल होगा हमारे पास टू वाई टू, ये होगा। अब सबसे पहले हम जो वैल्यू निकाल लेंगे वो निकाल लेंगे, द वैल्यू ऑफ लेट सी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये हमारे पास होगा सी, जो अल्फा का वैल्यू है वो हमारे पास है एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन,
प्लस जो बीटा का वैल्यू है वो आप यहां देख सकते हो, वो होगा एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू, ये होगा। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये होगा सी एक्स वन कोमा सी वाई वन कोमा सी जेड वन प्लस यहां पर होगा एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जेड टू, ये होगा। और यहां पर आएगा जो वो हमारे पास आएगा जेड वन, तो यहां पर आएगा हमारे पास जेड वन। तो ये इक्वल होगा, अगर हम इन दोनों का ऐड करें तो ये होगा सी एक्स वन प्लस एक्स टू कोमा सी वाई वन प्लस वाई टू कोमा सी जेड वन प्लस जेड टू, ये होगा। अगर हम इसको मान लें तो ये हमारे पास होगा, इसको मान लीजिए अब x, ये मान लीजिए y और ये मान लीजिए z, तो ये होगा। अब हम इसको दिखाएंगे कि अगर जो ये है हमारे पास, जो ये है, तो हम दिखाएंगे, लेट अस चेक वेदर सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू सेट एस और नोट। अब देखिए, अगर सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स करेगा सेट एस से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट इज कि हमारे पास जो यहां पर इसके मेंबर है मींस एक्स प्लस जेड, क्या एक टू वाई के इक्वल होगा? तभी तो ये कहता है कि जो सी अल्फा, यह हमारे पास है सी अल्फा प्लस बीटा, जो इसके अंदर मेंबर है वो आप देख सकते हो एक्स वाई एंड जेड है, अगर ये जो एलिमेंट है वो सेटिस्फाई करेंगे ये कंडीशन एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई, तब हम कहेंगे कि जो ये सी अल्फा प्लस बीटा है वो मेंबर होगा एस का। चलो देखिए, देखते हैं इसको। तो दैट इंप्लाई अगर हम ये ले एक्स प्लस जेड, तो ये इक्वल होगा हमारे पास, अब x का वैल्यू हमने क्या माना था, ये माना सी एक्स वन प्लस एक्स टू, और जो z का वैल्यू माना था हमने वो माना था सी जेड वन प्लस जेड टू, ये होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं सी एक्स वन, और यहां से हमने ले लिया सी जेड टू सी जेड वन, इसी प्रकार प्लस यहां पर एक्स टू प्लस जेड टू, ये होगा। तो यहां पर ये इक्वल होगा, यहां पर आएगा कॉमन सी, तो यहां पर होगा एक्स वन प्लस जेड वन प्लस यहां पर होगा एक्स टू प्लस जेड टू। अब आप ध्यान से देखिए, जो एक्स वन प्लस जेड वन का वैल्यू क्या था, आप यहां देख सकते हो जो एक्स वन प्लस जेड वन का वैल्यू है वो टू वाई वन है, तो यहां पर ये होगा टू वाई वन, और यहां पर सी भी है तो यहां पर होगा सी इंटू टू वाई वन प्लस, और एक्स टू प्लस जेड टू इसका वैल्यू आप यहां देख सकते हो ये टू वाई वन है, टू वाई टू है, तो ये होगा टू वाई टू, तो यहां पर ये इक्वल होगा। अब देखिए, यहां पर जो कॉमन है वो है टू, और यहां पर बचेगा सी वाई वन प्लस वाई टू, तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पर जो ये इक्वल होगा वो हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू इंटू। अब देखिए सी वाई वन प्लस वाई टू का वैल्यू क्या है, ये हम मानकर चले थे कि सी वाई वन प्लस वाई टू का वैल्यू हमारे पास वाई है, तो हमारे पास जो एक्स प्लस जेड आ गया वो हमारे पास टू वाई वन टू वाई आ गया। दैट मीन कि जो ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये मेंबर होंगे हमारे पास सेट एस के। तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा एक्स प्लस अल्फा, यहां पर हमारे पास सी अल्फा प्लस बीटा, ये भी मेंबर होगा सेट एस का। अगर सी अल्फा प्लस बीटा ये मेंबर होगा एस का, दैट मीन एस इज अ सबस्पेस ऑफ हमारे पास V। अब हम S के बेसिस को निकालेंगे।
तो सबसे पहले हम गिवन है जो वो लिख लेंगे। जो गिवन है हमारे पास वो है एस, और जो एस है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, सच दैट कि जो एक्स प्लस जेड है वो इक्वल टू वाई है। ये इक्वल होगा टू वाई, इक्वल टू वाई। तो आप यहां देख सकते हो कि जो एक्स प्लस जेड है वो इक्वल टू वाई है। तो जो y का वैल्यू आएगा यहाँ पर ये इम्प्लाई करेगा कि जो y होगा वो x प्लस z ओवर 2 ये होगा। तो यहाँ पर जो s का वैल्यू होगा, s इक्वल होगा, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x कोमा जो y का वैल्यू है वो है x प्लस z ओवर 2 कोमा z, ये है, सच दैट ये बिलोंग्स करेगा आर क्यूब से, ये होगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स और जेड है, वाई यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बेसिस निकालने का सिंपल ट्रिक ये है, अगर हम पुट कर दें x इक्वल 1 कर दीजिए आप, और जो सभी वेरिएबल हैं जो दूसरे हैं, दूसरे आप यहाँ पर देख सकते हो z है, अगर y होता तो y को भी 0 पुट करते, लेकिन जो यहाँ पर है वो डिपेंड कर रहा है z पर और x पर, तो यहाँ पर हम y इक्वल 0 पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ z इक्वल पुट करेंगे 0। तो तब देखिए तब हमारे पास जो इसका हमारे पास बेसिस होगा, इसको मान लीजिए बेसिस b1, यहाँ पर ये आएगा। अब आप यहाँ पर अगर वैल्यू x का 1 रखोगे तो 1 आएगा, यहाँ पर x का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 ओवर 2 दैट इज हाफ आएगा, और यहाँ पर आएगा 0। इसी प्रकार अगर हम पुट करें, पुट अब z इक्वल 1 रखना है और बाकी जितने भी हमारे पास हैं उसको हमने रखना पड़ेगा एंड x इक्वल रखना पड़ेगा 0। तब देखिए क्या होगा, देन तब जो b2 होगा हमारे पास बेसिस है, ये होगा 1 कोमा हाफ, यहां पर ये 0 आएगा, यहां पर होगा ये 0 क्योंकि x का वैल्यू 0 है, और यहां पर होगा हाफ क्योंकि आप देख सकते हो 0 प्लस 1 ओवर 2 दैट इज हाफ, और ये होगा 1। तो जो बेसिस होंगे, जो हमारे पास बेसिस ऑफ एस, वो आप यहां देख सकते हो वो इक्वल होगा, ये एक्चुअली में एक सेट होगा, कलेक्शन ऑफ बेसिस, यहां पर होगा 1 कोमा हाफ कोमा 0 एंड 0 कोमा हाफ कोमा 1, ये होगा हमारे पास बेसिस। और आप यहाँ देख सकते हो जो बेसिस के अंदर एलिमेंट हैं वो 2 हैं, फर्स्ट ये एलिमेंट है b1 और सेकंड ये है, तो इसका जो डायमेंशन होगा, अगर पूछ लेता कि इसका डायमेंशन कितना होता तो डायमेंशन ऑफ s वो हमारे पास 2 होता, क्योंकि जो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं जो इनडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 2 हैं, और या फिर जो बेसिक है हमारे पास बेसिस ऑफ s उसके अंदर 2 एलिमेंट है, मींस डायमेंशन ऑफ s इक्वल 2 है। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट s इक्वल x कोमा y कोमा z बिलोंग्स टू r क्यूब सच दैट x प्लस y इंटू z इक्वल 0। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो s सबसेट है v का वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। अब देखिए, इफ s इज अ सबस्पेस ऑफ v, इज अ सबस्पेस ऑफ v, अगर s सबस्पेस होगा v का तब क्या होगा, देन s इज इट्सेल्फ
आ वेक्टर स्पेस, आ वेक्टर स्पेस, ये होगा कि अगर हमारे पास कोई सेट S है और वो सबसेट है V का, तो वो खुद सबस्पेस होगा अगर वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाता हो। दैट मीन, इसका मतलब ये होगा कि वो सभी वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर अल्फा हमारे पास फील्ड का मेंबर है, अगर हमारे पास मान लीजिए सी है, वो मेंबर है फील्ड का, एंड जो हमारे पास अल्फा है वो मेंबर है एस का, तब ये होगा कि जो अल्फा इंटू एस होगा, अल्फा इंटू सी इंटू अल्फा होगा, वो भी एस का मेंबर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि यह प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए अगर हम कंसीडर करें, लेट जो अल्फा है उसको अगर हम कंसीडर करें 1, -1, 1, तो आप यहां देख सकते हो देन कि ये होगा x प्लस y इंटू जेड। अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें तो x का जो वैल्यू है वो 1 है, प्लस y का जो वैल्यू है वो -1 है, और जो z का वैल्यू है वो 1 है। तो यहां से ये होगा 1-1 दैट इज इक्वल 0, मीन्स x प्लस yz इक्वल होगा 0 का। तब हम ये कह सकते हैं जो अल्फा है वो मेंबर है s का। अब देखिए अगर हम लेट करें, लेट जो c है उसका वैल्यू हम 2 ले लें, और 2 आप देख सकते हो फील्ड का मेंबर है, और यहां पर जो फील्ड है वो हमारे पास रियल नंबर है। तो देन तब देखिए अगर हम c इंटू अल्फा करें तो ये इक्वल होगा हमारे पास 2 इंटू जो अल्फा का वैल्यू है वो 1, -1 एंड +1। तो ये इक्वल होगा हमारे पास 2, -2, 2। अब अगर हम यहाँ पर x प्लस yz निकाल लें, तो अगर हम यहाँ पर x प्लस yz निकाल लें तो ये होगा x का वैल्यू है जो वो 2 है, प्लस जो y का वैल्यू है वो -2 है, इंटू जो z का वैल्यू है वो 2 है। ये इक्वल होगा हमारे पास 2, ये होगा 2 इंटू 2 -4, और ये इक्वल आएगा -2, और आप यहाँ देख सकते हो दैट डज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर ये होगा कि x प्लस yz डज नॉट इक्वल 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि जो c इंटू अल्फा है वो इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट s। अगर ऐसा नहीं हुआ, दिस मीन s इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ v, सबस्पेस ऑफ v। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, चेक दैट बी इक्वल 1, 2x+1, x-1 का होल स्केयर इज अ बेसिस फॉर P2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1 - x-2x² विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस। तो अब सबसे पहले हमने ये समझना होगा कि बेसिस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। जो गिवन है हमारे पास वो सेट है B, उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास है 1, 2x+1, x-1, और इसका ये है होल स्केयर, ये एलिमेंट हमारे पास। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास है 1 + 2x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और जो ये है इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये होगा 1 - 2x + x² ये होगा। अब अगर हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके लिखें तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस
जीरो डॉट एक्स प्लस जीरो डॉट एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं वन प्लस टू एक्स प्लस जीरो डॉट एक्स स्क्वायर, और इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास। और हम सभी जानते हैं एंड कि जो हमारे पास पी टू के अंदर एलिमेंट होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। ये होगा सच दैट कि हमारे पास जो ए आई हैं मीन्स ए वन ए टू और ए थ्री हैं वो मेंबर होना चाहिए फील्ड का एफ का, और यहाँ पर जो फील्ड है वो हमेशा यहाँ पर रियल नंबर होती है। तो ये होगा। अब देखते हैं हम क्या ये हमारे पास जो सेट है वो बेसिस फॉर्म करेगी। बेसिस फॉर्म करने का मतलब ये होता है अगर हमारे पास ये सेट है तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो जो बी होगा अगर हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये होगा हमारे पास इक्वल। अब देखिए यहाँ पर कोफिशियंट लिख लीजिए। सबसे पहले जो हमारे पास कोफिशियंट है वन जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो लिख लीजिए, फिर एक्स का कोफिशियंट ये जीरो है, फिर एक्स के कोफिशियंट ये भी जीरो है। इसी प्रकार यहाँ पर कोफिशियंट होगा वन टू एंड जीरो, इसी प्रकार यहाँ पर होगा वन माइनस टू और यहाँ पर होगा वन। ये होगा हमारे पास। अब देखिए जो ये मैट्रिक्स है अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम कहेंगे कि जो ये है हमारे पास वो बेसिस है। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते होगे अगर इसका रैंक इक्वल थ्री है तब भी ये बेसिस होगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो, हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा वो आप यहाँ देख सकते हो कि ये होगा वन इंटू टू माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू, और टू हमें पता है नॉन जीरो होता है, मीन्स कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा वो हमारे पास डजंट इक्वल जीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं दैट इम्प्लाई बी इज अ बेसिस ऑफ इज अ बेसिस ऑफ पी टू। ये होगा। अब हम एक्सप्रेस करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट है हमारा इन टर्म ऑफ बेसिस। तो नाउ वी विल एक्सप्रेस जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है वन माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, और इसको रिप्रेजेंट करना हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ गिवन बेसिस। अब हमारे पास जो गिवन बेसिस है उसको मान लेंगे, लेट कि जो बेसिस बी वन है वो हमारे पास वन है, जो बेसिस बी टू है वो हमारे पास गिवन है वन प्लस टू एक्स है, और जो बेसिस बी थ्री है उसको मान लीजिए आप ये हमारे पास है वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स की। तब हम लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट, यहां पर एग्जिस्ट करेगा अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फील्ड इज रियल नंबर। तो अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स रियल नंबर आर से, सच दैट कि जो हमारे पास होगा अल्फा इंटू बी वन प्लस बीटा इंटू बी टू प्लस गामा इंटू बी थ्री, ये इक्वल होगा हमारे पास जो गिवन कोऑर्डिनेट है मींस वन माइनस एक्स माइनस टू एक्स के। तो ये होगा। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा दैट इंप्लाई कि जो अल्फा इंटू बी वन का वैल्यू है वो वन है, प्लस बीटा इंटू जो बी टू का वैल्यू है वो हमारे पास वन प्लस टू एक्स है, प्लस
प्लस गामा, और जो बी थ्री का वैल्यू है वो हमारे पास है 1 माइनस 2x प्लस x के, ये है, और ये इक्वल होगा हमारे पास 1 माइनस x माइनस 2x के। अब देखिए यहां पर इसको सोल्व कीजिए तो हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा x, इसी प्रकार ये होगा प्लस गामा माइनस 2 गामा x प्लस गामा x के, ये इक्वल होगा हमारे पास 1 माइनस x माइनस 2x के, ये होगा। अब आप इसको फर्दर सोल्व कीजिए तो आप कांस्टेंट टर्म लिख लीजिए, तो ये कांस्टेंट टर्म अल्फा है, बीटा है, और यहां पर है जो वो गामा है प्लस गामा। इसी प्रकार अब x x वाली टर्म लिख लीजिए, जो x वाली टर्म है वो ये है 2 बीटा x माइनस 2 गामा x, अगर हम यहां पर x कॉमन ले तो ये होगा 2 बीटा माइनस 2 गामा इंटू x, और इसी प्रकार जो x स्क्वायर वाली टर्म है वो है गामा x स्क्वायर, और ये इक्वल है हमारे पास 1 माइनस x माइनस 2 x स्क्वायर। अब अगर हम यहां पर एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को दोनों तरफ कंपेयर करें तो वी गेट देन हमारे पास जो गामा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और यहां पर जो कोफिशिएंट है वो माइनस टू है, तो यहां पर आएगा गामा इक्वल माइनस टू, इसी प्रकार टू बीटा माइनस टू गामा ये इक्वल है हमारे पास माइनस वन के, तो यहां से ये होगा दैट इंप्लाई 2 बीटा माइनस 2 इंटू जो गामा का वैल्यू है वो माइनस 2 है इक्वल होगा माइनस 1, तो यहां पर ये होगा दैट इंप्लाई 2 बीटा और ये होगा प्लस 4 इक्वल माइनस 1, तो यहां पर होगा जो वो होगा दैट इंप्लाई जो 2 बीटा का वैल्यू है वो हमारे पास होगा माइनस 1 माइनस 4, और यहां पर जो बीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे वो हमारे पास होगा दैट इंप्लाई कि जो बीटा है वो हमारे पास होगा माइनस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 5 ओवर 2, ये होगा। इसी प्रकार अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो वो हमारे पास पॉजिटिव 1 के बराबर होगा, जो अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है तो अल्फा वैसे का वैसा ही रहेगा, बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस 5 ओवर 2 है, प्लस जो गामा का वैल्यू है वो हमारे पास माइनस 2 है इक्वल होगा 1, तो यहां पर ये होगा दैट इंप्लाई कि जो अल्फा का वैल्यू होगा वो होगा 1 प्लस 2 प्लस 5/2, और आप यहां देख सकते हो इसका वैल्यू होगा जो अल्फा इक्वल ये होगा 3 प्लस 5/2, 3 प्लस 5/2 ये इक्वल होगा 11/2। अब हम एक्सप्रेस करेंगे हमारे गिवन कोऑर्डिनेट को इन टर्म ऑफ बेसिस b1 b2 एंड b3, तो चलिए तो हमारे पास जो ये होगा लेट जो अल्फा b1 प्लस बीटा b2 प्लस गामा b3 ये इक्वल होगा हमारे पास 1, इसको सोल्व करेंगे इक्वल होगा जो अल्फा का वैल्यू है वो आप देख सकते हो 11/2 है, तो ये आएगा हमारे पास 11/2 इनटू जो b1 का वैल्यू है वो 1 है, इसी प्रकार b2 का जो बीटा का वैल्यू है वो आप देख सकते हो -5/2 है, तो ये होगा -5/2 इंटू जो b2 का वैल्यू है वो हमें मिलेगा 1 प्लस 2x, इसी प्रकार जो गामा का वैल्यू है वो -2 है, और यहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा b3 हमारे पास है जो वो है 1 माइनस 2x प्लस x के। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जो ये हमारे पास टर्म है वो गिवन कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो यहां पर होगा 11/2 माइनस 5/2 और ये होगा माइनस
5 ओवर 2 इंटू 2x, इसी प्रकार ये होगा माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 4x माइनस 2x की, ये होगा। तो यहां पर आएगा, अब देखिए 11 ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2 दैट इज 6 ओवर 2, ये होगा माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये होगा माइनस 5x, यहां पर आएगा माइनस 2 प्लस 4x माइनस 2x के, ये होगा। और यहां पर इक्वल होगा, अब आप देख सकते हो 6 ओवर 2 दैट इज 3 और यहां पर है माइनस 2, यहां पर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 2x के, और ये इक्वल होगा हमारे पास 3 माइनस 2 दैट इज 1, माइनस 5x प्लस 4x दैट इज माइनस x और माइनस 2x। तो आप यहां देख सकते हो कि ये हमारे पास है जो गिवन कोऑर्डिनेट है, तो हमारा जो आंसर है वो ट्रू है, और हमारा जो ये सेकंड क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट है। सो थैंक यू वेरी मच।